वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि IRFC लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो IRFC लिमिटेड स्टॉक की बात करें तो आज 19.95 पे ट्रेडिंग करा है, तकरीबन 20 पैसे अप है, तकरीबन 1% की रैली बनाता हुआ नजर आ चुका है आज के दिन में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात किया तो कल तेजी से गिरावट हो चुकी थी, उसी तेजी से आज रिकवरी भी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते ही स्टेबल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का से मूवमेंट की, पर बाइंग साइड में मूवमेंट करता हुआ नजर आ चुका था। मार्केट कैप भी देख सकते हो 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशो अभी भी 4 का है, जो कि अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2% की रैली के कल की गिरावट के बाद भी आज रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो IRFC स्टॉक की बात किया तो आज के दिन का वॉल्यूम भी देख सकते हो 17 लाख का वॉल्यूम है, 17,91,000 का। टोटल बाइंग साइड के लिए क्वांटिटी देखी जाए तो 18,19,000 के और सेलिंग के लिए 15 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी की पोजीशन भी अच्छी खासी देखने को मिले, 14,71,000 में से 10,65,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। टोटल डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हो 72% की क्वांटिटी जाती हुई नजर आ चुके हैं डिलीवरी के लिए। चार्ट पे नजर डाली जाए तो एक बार 20 लेवल को ब्रेक करके ऊपर सेटल होता है यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक, तो ऊपर जाने के लिए चांसेस बढ़ सकते हैं और हल्की से तेजी से भी बढ़ सकते हैं। पर रिसेंटली ये जो 2 लेवल के बीच में ही ज्यादातर ट्रेडिंग देखने को मिले, तकरीबन 19.50 to 20 लेवल, तो इन दोनों में से यहाँ पे चॉपिंग मूवमेंट देख रहे हैं। आज भी 20 लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरावट हो रहे, जैसे 20 लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देते हैं या कल यहाँ पे गैप अप से ऊपर ओपन होता है तो भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट IRFC लिमिटेड स्टॉक के लिए।